Students, well, today we are going to learn about the political science, chapter number 1, post-World War political developments. Then, today we are going to learn about the post-World War political developments. That means we know that in our world, there were two World War fought between the various countries, First World War and Second World War. तो हमारी दुनिया के अंदर दो बड़े वर्ल्ड वॉर वहाँ पे लड़े गए हैं, जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर. आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर द वर्ल्ड ट्राई टू बिकम रिस्ट्रक्चर अबाउट देयर पॉलिटिकल पॉलिसीज एंड लाइक दैट आवर कंट्री वॉज ऑल्सो स्टार्टेड मेकिंग द वेरियस पॉलिसीज अबाउट द पॉलिटिक्स. Then today we are going to learn such a type of points in this chapter. Chapter first, post World War political developments. Then listen here. Let us revise. In the civics textbook till now, we have studied local self-government institutions, India's constitution and our political systems or governmental structures. तो हमने अब तक की सिविक्स के बुक के अंदर क्या क्या पढ़ा, तो हमने पढ़ा है कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसके बारे में, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के बारे में, जो ग्राम पंचायत कॉरपोरेशन इस तरह की जो चीज़ें उसके बारे में हमने पढ़ा, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा, उसके बाद जो पॉलिटिकल सिस्टम है या गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर जो है जिनके बारे में हमने पढ़ा. अब यहाँ पे आगे इन दिस क्लास we are going to study India's relations with the world. अब यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं कि इंडिया का अदर मतलब दुनिया के साथ किस तरह का रिलेशन वहाँ पे है. You must have understood world geography through the study of geography. तो आपने geography के study के जरिए जो world geography है उसे समझ लिया. You must have become familiar with the global historical events through the study of history. तो आपने history की study के जरिए जो global historical events हैं उसे आपने पढ़ लिया. Now, through the study of political science, we are going to study India's relation with the world and some major global issues. तो अब इस political science के जरिए हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि हमारी इंडिया का other countries के साथ किस तरह का रिश्ता वहाँ पे रहा, किस तरह के रिलेशंस वहाँ पे बने, और जो अदर मेजर ऐसे ग्लोबल इश्यूज है जिनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं. देन वी आर डिपेंडेंट ऑन डिफरेंट पर्सन्स इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस इन द सोसाइटी फॉर डिफरेंट रीजन्स एंड फॉर डिफरेंट फैसिलिटीज. तो हम जो है दुनिया के अंदर अलग अलग रीजन से या अलग अलग फैसिलिटीज़ के लिए किसी पर्सन इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड होते हैं. तो मतलब सोसाइटी के अंदर हर एक पर्सन जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है. किसके लिए, तो जो भी सारे मतलब फैसिलिटीज़ उसे चाहिए या अलग अलग तरह के जो कुछ रीजन्स होते हैं उसके लिए हर एक जो पर्सन है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है. Our social life is interdependent in and mutual cooperation has a very important place in it. So, हमारी जो life है वो mutual cooperation, जिसमें mutual cooperation जो है वो बहुत ही ज़रूरी है. मतलब एक दूसरे का सहारा लेना या एक दूसरे की मदद से कुछ काम करना ये बहुत ही ज़रूरी है हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारी लाइफ के अंदर. तो जस्ट एज इट इज़ अ ट्रू अबाउट इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी, इट्स अप्लाइज टू डिफरेंट नेशन एज वेल. जिस तरह से हमारी लाइफ के अंदर मतलब किसी इंडिविजुअल पर्सन की लाइफ के अंदर वो दूसरे किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर या पर्सन के ऊपर वहाँ पे डिपेंड होता है किसी फैसिलिटीज़ के लिए या अपनी ज़रूरतों के लिए, उसी तरह से जो नेशंस होते हैं वो भी दूसरे नेशंस के ऊपर डिपेंड होते हैं, दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं उनकी ज़रूरतों के लिए और अलग अलग फैसिलिटीज़ के लिए. देर आर मैनी इंडिपेंडेंट नेशंस इन द वर्ल्ड लाइक इंडिया. सम एक्सचेंज
एंड इंटरेक्शंस गोज ऑन बिटवीन देम कॉन्स्टेंटली. तो कुछ इंडिपेंडेंट ऐसे ऐसे नेशन है इंडिया जैसे. अब देखो इंडिया एक इंडिपेंडेंट नेशन हुआ है. इंडिपेंडेंट किस बारे में है, तो इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पॉलिसीज के बारे में है. मतलब हमारी अपनी खुद की एक कॉन्स्टिट्यूशन है और उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी सारे लॉज बताए गए हैं उन लॉज के जरिए हमारी कंट्री गवर्नमेंट रूल कर रही है. तो इस तरह से हमारी कंट्री एक इंडिपेंडेंट ऐसी कंट्री है. लेकिन कंट्री की जो ज़रूरतें हैं वो अदर कंट्री अदर नेशंस के ऊपर भी वहाँ पे डिपेंड है. तो दिस इंडिपेंडेंट स्टेट ऑल्सो एंटर इन टू ट्रीटीज विद ईच अदर्स. तो ऐसे कुछ अदर कंट्रीज भी हैं जो इंडिपेंडेंट हैं, उन्होंने अदर कंट्रीज के साथ कुछ ट्रीटीज वहाँ पे की हुई है जिसकी वजह से वो दूसरे स्टेट के ऊपर दूसरी कंट्रीज के ऊपर डिपेंड है. अ सिस्टम ऑफ ऑल दीज इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट कम्स अप. तो अ सिस्टम ऑफ ऑल दीज इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट कम्स अप. तो इस तरह के सिस्टम की वजह से कुछ सॉवरेन स्टेट आगे बढ़कर आए हुए. सॉवरेन इस वर्ल्ड का मतलब क्या है पता आपको? सॉवरेन तो ये जो वर्ल्ड है, ये जो वर्ल्ड है जिसका मीनिंग है कि फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल पावर. तो एक्सटर्नल पावर से फ्री रहना जो इसका मीनिंग वहाँ पे बनता है, दैट मीन्स सॉवरेन. तो हमारी कंट्री भी एक सॉवरेन कंट्री है. हमारी कंट्री मतलब किसी भी तरह के, ये जो वर्ल्ड है सॉवरेन, तो हमारी कंट्री ये जो है वो किसी भी तरह से पॉलिटिक्स के बारे में है ना, या गवर्नमेंट किस तरह से चलानी है जिसके बारे में दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंड नहीं है. मतलब हमारी कंट्री सॉवरेन कंट्री. तो इसी तरह से सॉवरेन स्टेट जो उभर कर आते हैं. देन विथ ईच अदर वी कॉल इट इंटरनेशनल सिस्टम. तो इसी तरह की जो सिस्टम है उसे हम इंटरनेशनल सिस्टम कहते हैं. लेट अस गेट टू नो अबाउट फीचर्स ऑफ दिस इंटरनेशनल सिस्टम. तो इसी तरह की जो इंटरनेशनल सिस्टम है उसके कुछ फीचर्स के बारे में हम यहाँ से जानकारी लेने वाले हैं. तो जिसमें सबसे पहले जो पॉइंट है इंटरडिपेंडेंस, इसे हम समझने वाले हैं. इंटरडिपेंडेंस, देन नाउ लिसन केयरफुली. ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर वन रीजन और द अदर. तो किसी एक या उसके अलावा दूसरे रीजन के लिए हर एक जो कंट्री है वर्ल्ड के अंदर वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, डिपेंड है ना. हाउएवर बिग फॉर प्रॉस्परस और डेवलप अ नेशन मे बी इट कैन नेवर बी सेल्फ सफिशियंट अबाउट ऑल इट्स नीड्स. तो मतलब पूरी दुनिया के अंदर जो बड़े बड़े कंट्रीज हैं, जो मतलब फुल स्ट्रांग ऐसे कंट्रीज है, वो डेवलप हो चुके हैं या बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्परस ऐसे कंट्रीज हैं, रिच ऐसे कंट्रीज हैं, वो भी सेल्फ सफिशियंट नहीं है. वो भी किसी ना किसी चीज़ के लिए अदर कंट्री के ऊपर डिपेंड है. सब पावरफुल ऐसे कंट्रीज, मतलब जिसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं अमेरिका है ना, रशिया, ऐसी जो कंट्रीज है वो पावरफुल कंट्रीज है. उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग इकोनॉमी है, उनके उनके यहाँ पे इंडस्ट्रीज भी बहुत ज़्यादा है. लेकिन फिर भी किसी ना किसी ज़रूरत के लिए ये बड़ी बड़ी कंट्री भी दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंड है. तो मतलब पूरी दुनिया के अंदर ऐसी कोई कंट्री नहीं है जो सेल्फ सफिशियंट है. इवन बिग नेशंस हैव टू डिपेंड अपॉन अदर बिग एंड स्मॉल नेशंस. दस इंटरडिपेंडेंस इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द इंटरनेशनल सिस्टम. Of the international system, that means to global system, that means today's global system. तो मतलब हर एक कंट्री एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है ना. तो ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर हर एक कंट्री के बारे में वहाँ पर बताया जाता है. तो यही इंटरनेशनल जो सिस्टम है उसे ही आज हम क्या कहते हैं, ग्लोबल सिस्टम. उसे ही हम क्या कहते हैं, ग्लोबल सिस्टम. आफ्टर दैट The box is there and in that box I wonder like this something. What is the difference between the interdependence between individuals and the between nations? So individuals or nations ke interdependence ke bare mein wahan pe
डिफरेंस बताना है. इज देयर सच अ डिवीजन लाइक रिच कंट्रीज एंड पुअर कंट्रीज. तो मतलब दुनिया के अंदर ऐसे कोई डिवीजन से क्या रिच कंट्रीज और पुअर कंट्रीज से जिसके बारे में आपको वहाँ से मतलब डिस्कस करना है. जस्ट एज अ कंट्री इज गवर्न बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन इज देयर सम काइंड ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन एट द ग्लोबल लेवल. जिस तरह से कोई एक कंट्री जो है वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन से वहाँ पे चलती है ना. कॉन्स्टिट्यूशन पता है ना, मतलब गवर्नमेंट किस तरह से रूल करेगा, गवर्नमेंट के रूल किस तरह से रहेंगे, है ना, जिसके अंदर लॉज किस तरह से रहेंगे उसकी एक बुक बनाई जाती है और उन लॉज रूल्स के अनुसार कंट्री रन करती है. तो इसी तरह से कंट्री की एक कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पे होती है. तो ग्लोबल लेवल पे भी ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन है क्या जिसके बारे में आपको जानकारी इकट्ठा करनी है. हु एंजॉयज द सुप्रीम पोजिशन इन एन इंटरनेशनल सिस्टम. तो मतलब इंटरनेशनल सिस्टम में कोई ऐसी एक सुप्रीम, कोई एक कंट्री या कोई सुप्रीम पोजिशन पे वहाँ पे है क्या, है ना, जिसके बारे में आपको जानकारी वहाँ पे इकट्ठा करनी है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज देयर दैट इज इंटरनेशनल रिलेशन थ्रू फॉरेन पॉलिसी. इंटरनेशनल रिलेशन थ्रू फॉरेन पॉलिसी. देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दैट फॉरेन पॉलिसी, व्हाट इज मीन बाय फॉरेन पॉलिसी. एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द इंटरनेशनल रिलेशन अबाउट द फॉरेन पॉलिसीज और थ्रू फॉरेन पॉलिसीज. देन नाउ लिसन केयरफुली. एवरी नेशन हैज पॉलिसीज अबाउट इट्स इंटरनल डीलिंग्स एज ऑल्सो अबाउट इट्स रिलेशन विद द अदर नेशन. तो हर एक जो कंट्री होती है उसकी अपनी कुछ इंटरनल डीलिंग वाली पॉलिसीज होती है. अब इंटरनल डीलिंग मतलब क्या, तो कंट्री के अंदर बहुत से सारे स्टेट हैं, है ना, और स्टेट के अंदर वहाँ पे कुछ ट्रेडिंग वहाँ पे चलती है ना. या कंट्री के अंदर चलने वाली जो ट्रेडिंग है उसकी डीलिंग वहाँ पे किस तरह से होगी, या जो भी पॉलिटिकल पॉलिसीज है वो किस तरह से रहेंगे, वो सारी जो डीलिंग है कंट्री के अंदर की जो भी सारी डीलिंग है वो इंटरनल डीलिंग. और उसी तरह से एज ऑल्सो अबाउट द रिलेशन विद द अदर नेशन. तो कंट्री के अंदर जो भी सारे स्टेट हैं उनके एक दूसरे के साथ किस तरह से रिलेशन है वो, और पूरी कंट्री का किसी दूसरी कंट्री के साथ जो रिलेशन है वो, सच पॉलिसी इज कॉल्ड फॉरेन पॉलिसी. तो इस तरह से एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ, एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ जो डीलिंग वाला रिलेशन है ना, तो उसे फॉरेन पॉलिसी वहाँ पे कहा जाता है. वी आर गोइंग टू स्टडी इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इन डिटेल इन द नेक्स्ट चैप्टर. तो नेक्स्ट चैप्टर में हम इसी तरह से इंडिया की इस फॉरेन पॉलिसी के बारे में डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं. नेक्स्ट द बॉक्स इज देयर दैट इज लेट्स डू दिस. कलेक्ट न्यूज़पेपर फ्रॉम फॉर अ मंथ एंड टेक कटिंग ऑफ न्यूज़ अबाउट डिफरेंट फॉरेन कंट्रीज. क्लासीफाई द न्यूज़ ऑन द बेसिस ऑफ द पॉइंट्स गिवन बिलो एंड पुट अप एन एग्जीबिशन. तो आपको क्या करना है कि अलग अलग तरह के वहाँ पे जो न्यूज़पेपर आते हैं घर पे आते हैं, आपके आस पड़ोस में आते होंगे, किसी लाइब्रेरी में है, है ना, उनका कलेक्शन करना है और उसमें अलग अलग तरह के फॉरेन कंट्रीज के कुछ न्यूज़ वहाँ पे आते हैं, तो उन न्यूज़ को कट करना है, उनकी कटिंग करनी है और उसे नीचे दिए गए कुछ पॉइंट्स के अनुसार उसे क्लासीफाई करना है और उसका एक एग्जीबिशन आपको बनाना है. तो किस तरह के पॉइंट्स वहाँ पे दिए हैं. विजिट टू अवर कंट्री ऑफ पर्सन होल्डिंग इम्पोर्टेंट पोजिशन इन अदर नेशन. तो दूसरे किसी नेशन से आया हुआ कोई इम्पोर्टेंट ऐसी पोजिशन रखने वाला जो पर्सन है वो हमारी कंट्री को विजिट करता है ना. तो इस तरह के जो भी न्यूज़ है न्यूज़पेपर में उसे आपको एक जगह पे लाना है. देन ट्रीटी साइन बिटवीन अवर कंट्री एंड अदर कंट्रीज. तो हमारी कंट्री और अदर कंट्री के बीच में किस तरह की ट्रीटीज है ना वहाँ पे होती है, मतलब एग्रीमेंट्स, जो भी मतलब ट्रेड वाली एग्रीमेंट्स होगी या कोई डिफेंस वाली एग्रीमेंट्स वहाँ पे होगी. तो इस तरह के एग्रीमेंट्स ट्रीटीज जो साइन की जाती है एक दूसरी कंट्री के अंदर, तो उसको आपको कलेक्ट करना है. एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कन्वेड इन अवर कंट्री.
तो हमारी कंट्री के अंदर कुछ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, मतलब अलग अलग कंट्री के लोग, इम्पोर्टेंट ऐसे लोग, पॉलिटिशियंस वहाँ पे आते हैं और वहाँ पे कॉन्फ्रेंस होती है। इस तरह की कुछ न्यूज़ जो आती है जिसके बारे में आपको जानकारी इकट्ठा करनी है, वो कटिंग आपको इकट्ठा करनी है। इवेंट विथ रिस्पेक्ट टू अवर नेबरिंग कंट्रीज, तो हमारे नेबरिंग कंट्रीज के बारे में, मतलब जो भी ऐसे इवेंट्स हैं जो रिस्पेक्ट से वहाँ पे बताए गए हैं, है ना, मतलब दूसरी कंट्री का रिस्पेक्ट वहाँ पे हो रहा है हमारी कंट्री की तरफ से, इस तरह की जो न्यूज़ है ना, तो इस तरह की न्यूज़ को भी आपको इकट्ठा करना है। ओके, द नेक्स्ट पार्ट वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, बाय।